साठ हजार हैं लड़का रे महलन में दुई है। महाराज शगर के 60,000 पुत्र थे, दो रानियां थी। एक बार क्या हुआ, शगर के हृदय में विचार गूंजने लगा, दिमाग में विचार गूंजने लगा कि हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। आज भक्तों, जब दिमाग में बात आई कि हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तो आज भक्तों शगर ने क्या किया, इधर देवताओं के राजा इंद्र भयभीत हो गया। जब देवताओं का राजा इंद्र भयभीत हो गया, अगर शगर अपना अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा, हमारा इंद्रासन चला जाएगा। तो महाराज भेष बदल करके सन्यासी बन करके आज वो देवराज इंद्र चला है, और घोड़ा को चुराने के लिए मन में सोचने लगा। भक्तों, आज इंद्र को ये अवगत हो गया कि हम शगर का अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण नहीं होने देंगे, और अगर इसका अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हो गया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा, शगर इंद्रासन का मालिक हो जाएगा। तो भक्तों, आज देवराज इंद्र चला है, घोड़ा को लियो चुराई रे ना करिए आना कानी, घोड़ा को लियो चुराई रे ना करिए आना कानी। अब देखेंगे का भेष बना करके चला है घोड़ा को चुराने के लिए। महाराज की फोर लो है घोड़ा चुराए, अरे कपिल महात्मा के आश्रम में दो घोड़ा चुराए। कि भैया इतना करके काम तुरंत है घर बोया होए, राजा इतना करके काम तुरंत है घर बोया होए। भक्तों, देवताओं के राजा इंद्र ने क्या किया, आज सन्यासी का भेष बदल करके और घोड़ा को चुरा लिया। और भक्तों, घोड़ा को चुरा करके आज कपिल के महात्मा के आश्रम में बांध दिया है। भक्तों, जब कपिल महात्मा के आश्रम में उस घोड़े को बांध दिया, तो आज भक्तों इधर शगर ने, शगर के जो 60,000 पुत्र थे, आज कहने लगे, शगर ने कहा कि हमारे घोड़े को तलाशी करिए, हमारे घोड़े को कौन चुरा करके ले गया है। आज भक्तों 60,000 पुत्र बड़ा क्रोध में हो करके चले हैं, पता लगाने के लिए चले हैं कि देखें हमारे घोड़े को कौन चुरा करके ले गया है। चले हैं शगर के 60,000 पुत्र, और भक्तों ढूंढते रहे ढूंढते रहे, निकल घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। पृथ्वी पर पतो न पायो है, तब लगे खोदने पृथ्वी को। आज भक्तों जिस समय घोड़ा नहीं दिखाई दिया, तो आज पृथ्वी को खोदने लगे हैं।
पृथ्वी पर पतो न पायो है, तब लगे खोदने पृथ्वी को, पर घोड़ा के सम्मुख पाया युक योगासीन तपस्वी। आज भक्तों 60,000 पुत्र चले हैं, बड़ा क्रोध में हैं, घोड़े को ढूंढते रहे। आज महात्मा कपिल के आश्रम में जो इंद्र घोड़ा बांध करके चला गया था, आज भक्तों 60,000 पुत्र पहुंचे हैं और देखा क्या कि कपिल महात्मा आज समाधि लगाए हुए बैठे हैं। 60,000 पुत्र बड़ा क्रोध में हैं, तो आज पुत्रों ने देखा कि हमारे घोड़े का चोर यही बैठा है, किसी ने हमारे घोड़े को चुरा लिया। आज भक्तों जब चले हैं पुत्र तो जाकर के पास में आज महात्मा अपने नेत्रों को बंद किए बैठे हैं। जब नेत्रों को बंद किए बैठे हैं आज भक्तों 60,000 पुत्र क्रोध में, महाराज इधर क्या हुआ, किसी पुत्र ने आज लात चला दी। आज भक्तों जिस समय लात चलाई है तो महात्मा के नेत्र खुले और भक्तों पूरा शरीर आग सा जल गया और 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। जिस समय जल करके राख हो गए, इधर भक्तों जैसे ही सगर को पता चला है कि महात्मा कपिल के श्राप से हमारे 60,000 पुत्र आज जल करके राख हो गए। भक्तों जिस पिता के 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए, उस पिता के हृदय पर पूछिए। आज भक्तों आज सगर को पता चला है तो सगर ने अपने प्राण को उसी आंगन में ही आज प्राण को गवा दिया, सगर खत्म हो जाते हैं। भक्तों आज सगर ने सिर पटक करके अपने प्राणों को गवा दिया है। 60,000 पुत्रों को मरते देखा, आज सहन नहीं कर पाए, आंगन में ही प्राण को छोड़ दिया। उसी वक्त गुरु वशिष्ठ का आना हुआ, जब देखा कि इंद्र की काली करतूतों से शूर वंश का विनाश खत्म हो गया। इनकी रानी थी, दूसरे लड़के का नाम भक्तों अश्मंजस था। वशिष्ठ ने अश्मंजस को राज्य दिया, समझाया लला इस राज्य का मालिक अब कोई नहीं रहा है, आप ही इस राज्य के मालिक हो, ये राजपाट आज से आप ही संभालोगे। तो भक्तों राज शासन करो, अश्मंजस राज शासन तो करने लगा लेकिन हृदय में बहुत विचार आ रहा है। महाराज अश्मंजस के हृदय में विचार आते हैं, क्या करें, भगवान मेरे भाई कपिल महात्मा के श्राप से भस्म हो गए। उसी समय एक दिन भक्तों क्या हुआ, गुरु वशिष्ठ का आना हुआ। गुरु वशिष्ठ को आते हुए देखा तो अश्मंजस ने आज गुरु वशिष्ठ को बुलवाया है कि आशन दीनों डारी रे बैठारे मुनि तपधारी।
आज भक्तों अश्मंजस ने गुरु वशिष्ठ को आसन दिया, बिठाया, आरत की थाल लेकर के आज आरती को उतारी। वशिष्ठ पूछने लगे, लाला मैं जब भी आपके पास में आता था तो आपका चेहरा खुशी से नजर आता है, आज ये चेहरा आपका क्यों कुमलाया हुआ है? आज भक्तों जिस समय का है तो आज अश्मंजस कहने लगे, क्या बताए महात्मा, इंद्र की काली करतूतों से हमारे पूरे परिवार का विनाश हो गया है, क्या हम आपको बताएं? तो जवाब दिया लाला, आप घबराओ नहीं। तो जवाब दिया, इनका उद्धार कैसे होगा? वशिष्ठ समझाने लगे, लाला इस तरीके से चिंता ना करो, उपाय मैं बताता हूँ। तुम तपस्या करने के लिए जंगल में चले जाओ और तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी से गंगा जी को मांगो। अगर लाला वो गंगा जी भूतल पर आ गई तो आपके भाइयों के साथ साथ सभी का उद्धार हो जाएगा। तो बाको नाम धारो धोती रबेनी लाला, बाको नाम धारो धोती रबेनी पापा से छेनी से पेनी। जवाब दिया, गंगा जी अगर भूतल पर आ गई तो उन गंगा जी के साथ साथ सभी का उद्धार हो जाएगा। अश्मंजस ने कहा कि ये गंगा जी क्या है? समझाया, बेटा एक बार बहरोचन के पुत्र बलि के दरवाजे पर बावन भगवान गए थे, बावन भगवान गए थे तो विष्णु भगवान बावन का रूप धारण करने के बाद जब तीन कदम में तीनों लोगों को नाप लिया तब भगवान ब्रह्मा ने उनके पैर को धो करके, पैर के अंगूठे को धो करके अपने कमंडल में कर लिया था। जवाब दिया कि अपने कमंडल में कर लिया था कि बावन को धर के रूप रे जब बलि के द्वारे आए। अश्मंजस को जब बावन भगवान गए थे तीन कदम में जब तीनों लोगों को नापा, भगवान ब्रह्मा ने उनके चरण को धो करके कमंडल में कर लिया था तभी गंगा जी बन गई। तो उसी समय शीख मान करके आज भक्तों महाराज गुरु वशिष्ठ के कहने पर अश्मंजस ने क्या किया, महाराज अश्मंजस चले और भगवान का भजन करने के लिए। जब भजन करने के लिए जंगल में चले तो उसी समय आकाशवाण से देवताओं ने एक बात कही, अश्मंजस तुम लौट जाओ, तुम्हारे तपस्या करने से कोई हल नहीं होने वाला, तुम्हारे नाती का जो लड़का होगा वो गंगा जी को ले जाएगा। समझाया, तो उसी समय भक्तों अश्मंजस वापस घर लौट आया है, अपनी जिंदगी को समय बिताने लगा, धीरे धीरे समय बिताने लगा। अश्मंजस के जो पुत्र थे अंशमान, अंशमान ने भी तपस्या की, उन्हें भी कोई हल प्राप्त नहीं हुआ। अंशमान की जो रानी थी उनके घर में काफी समय बीत गया, किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया।
और इधर क्या हुआ, एक सुंदर से बालक ने जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया, उसका नाम भक्तो दलीप रखा गया। काफी दान किया, काफी पुण्य किए, दलीप को भी फल प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे बड़ा हुआ, इधर क्या हुआ भक्तों, आज दलीप की अंशमान ने बड़े प्रेम के साथ में विवाह को रचाया है कि दलीप को अंशमान ने हंस के ब्याह रचाया। पैदा हुआ और बालक का नामकरण रखा तो आज भक्तों उस बालक का नाम भागीरथ रखा गया। जब भागीरथ धीरे धीरे बड़ा हुआ, जब 12 वर्ष का हुआ, 12 वर्ष की उम्र हुई, जब पता चला कि हमारे पूर्वज कपिल महात्मा के श्राप से भस्म हो गए। बताया जाता है कि अगर तपस्या करने से गंगा जी अगर भूतल पे आ जाएं तो हमारे पूर्वजों का सभी का उद्धार हो जाएगा। आज भक्तों दलीप इधर भागीरथ चला है जंगल में तपस्या करने के लिए। जब तपस्या करने के लिए जंगल में पहुंच गया, अटल समाधि लगा ली, इधर 12 वर्ष बीत गए। आज भक्तों जिस समय 12 वर्ष बीते हैं, आज भगवान की घोर तपस्या की, इधर विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के भागीरथ के पास में आए हैं। जिस समय भागीरथ के पास में आए हैं, जवाब दिया, बेटा अपने नेत्रों को खोलिए, हम आपकी तपस्या पर प्रसन्न हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। तो तालियों का जय घोष करते हुए छोटा सा संकीर्तन, इसके बाद में आगे की कथा।